ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਲਾਲੀ ਵਲੌਗਸ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਲੇਟ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਰਵ ਲਾਲੀ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਸ਼ੂਟ ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਚਾਹ ਇੰਜੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਰਵ ਦੇ ਨਾਲ। हेलो आरव, हाउ आर यू? ओ ये कैसे बिस्किट खा रहे हो? सो मेरी आरव दी चाय, माँ बेटे दी चाय। आरव प्लीज प्लीज। हाँ मेरे तो ये फेवरेट बिस्किट है, ताडे है कि नहीं जरूर दस्यो। 50-50 बेस्ट। एक क्रैक चेक आने होंगे सी, एक गाइस बिस्किट आने होंगे सी क्रैक चेक, वो भी जीरो जीरे वाले नहीं, एक और 50-50 वर्गी आते सी, वो भी बहुत सौ पता नहीं मिलते कि नहीं अजकल, लेकिन 50-50 तो ये चाय इंजॉय तो मिलते हैं तुम्हें। फिर ब्रेक तो बाद छोटी सी नैप लेनी है मैं तो आरव ने, फिर तो बाद तुम्हें मिलेंगे। सो तद तक लिए यू हैव टू वेट। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आरव ने सो आके हम आ गए किचन, क्योंकि अज मैं बनाने लगी सी घीए के कोफ्ते। सो मैं आते तो है उदा बना, पर मैं फर्स्ट टाइम बनाने लगी क्योंकि मम्मा होंगे सी, तो मम्मी मोस्टली कुकिंग मम्मा ही करते थे। सो मैं क्या चलो अच्छ घीए के कोफ्ते बनाने। सो उसके लिए सब तो पहला मैं घीए नू पचड़ लिया, ग्रेट कर लिया। सो हुण इहदे च पाउणा है सब तो पहले नमक। तुसीं सोचदे होणे इहदा पानी इहने कढ़िया नहीं, पर नमक क्यों पा लिया? क्योंकि नमक इसलिए पाना है क्योंकि नमक ना जिहड़ा सारा एक्सैस पानी है ना वो निकल जाता अपने आप, फिर उस तो बाद असीं इहनूं निचोड़ लवांगे। सो असी मोस्टली यूज करते हैं रॉक सॉल्ट। इन्हें दो मिनट रख देंगे आप साइड पे जब तक कि पानी निकल जाए। और एक चीज़ होर कि असी कई लोग की ना यदा पानी निचोड़ देंगे, मतलब सिर दें पानी निचोड़ के सिर देंगे, लेकिन नहीं यदा पानी जरूर रखना चाहिए। जो असं मसाला बनाने ना वो यदा पानी ऐड करा। सो तुम मेरे जुड़े रहो और देखे रहो कि मैं कुकिंग कितना कर रही। मेरे नाल जुड़े रहो और इंजॉय करो कुकिंग। ये मेरे लगा अच्छा कुकिंग व्लॉग ही हो गया। सो चलो जो भी है कुछ तो शूट करा। सो गाइस मेरी हेल्प ना हूँ सारा जूस जड़ा है ना, सॉरी वो कट लिया। आ देखो गाइस ये तुसी पी भी सकते हो क्योंकि घीए का जूस बहुत हेल्दी होंदा है, और अगर तुसी इनू खाली पेट पीने हो तो ये बीपी कंट्रोल करता है बट विदाउट नमक। सो असी इनू सब्जी यूज़ करांगे। बाकी दा एक्सट्रैक्ट आ गया इत्थे, हुण इच पावांगे असी मसाले। मसाले लई सब तो पहला मैं अदरक गार्लिक पेस्ट बनाने पैने अदरक दी। मसाले लई सब तो पहले मैं अदरक नू थोड़ा जिहा अदरक की पेस्ट बना ला, अदरक ते हरी मिर्च की वो भी ऐड करांगी। और वन थिंग मोर तो लगता होना कि मैं कुछ क्यों इन्नी है, जो मेरे स्टैप्स है थोड़े टाइम लेंदे पे है बिकॉज मेरे को कोई भी कैमरामैन नहीं है। एक कैमरामैन मेरा सो रहा है, एक कैमरामैन गए अपने काम से। सो और मैं पहले अदरक पहले मैं रेडी कर। गाइस अजे होया नहीं, मैं एक मिनट होर लगे। सो ये चेक किया मैं बेसन, हुण मैं पाऊंगी इस जड़े दूजे मसाले होंगे खड़े मसाले काइंड ऑफ, काली मिर्च हो गई, गरम मसाला हो गया, इदा की चीज। नमक हमने पहले डाला था इसलिए हम थोड़ा सा डालेंगे। और वेट, तो मेरा कैमरा मैन भी आ गया तो मैंने थोड़ी हेल्प हो गई।
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਓ ਅੱਛਾ ਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੇਟ 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 ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ ਡੱਬੀ ਵੀ ਪੜ ਲਈ पता नहीं गाइस कितना दे मैनू के फर्स्ट टाइम ट्राई करना की डोंट जज मी गाइस मैनू आदे है बट बनाउन पहली बार लगी मैं ना हेल्प करूंगा आरव आरव की बना लगा दही पल्ले आरव बना लगा दही पल्ले विद ब्रेड लेट्स सी कि आरव बना पांदा है कि नहीं हां जी आरव जी बना लूंगा बना लोगे श्योर आर यू श्योर तो मैं आप ब्रेड पहले दे देना मैं अच्छे पा दूंगी वेस्ट करने नालो जी साइड वाले वारव ताही यार फिल्टर वाला वारव पर आई गेस ये व्हाइट ब्रेड के बनते हैं ना यार चलो ब्राउन के बना लो कोई भी ओके ब्रेड ना कि पानी छिड़क करके ने बॉल्स बना लेने राइट यार यस चलो तब तक आरव ये कर रहे हैं तब तक मैं देख के आई मेरा तेल गर्म हुआ कि नहीं यार जी ये छोटा साइज हो गया ओके और किस को ना आरव ऐड कर दे कि यार और दही दही यार तेरे तो बहुत शॉर्टकट है वाह दही और दिया रेड रेड सॉस वेट में तेरी आया वो हेल्प कर रहा नहीं मसाले पहुंच नहीं स्पून चलो जी डन नाउ आरव इज एडिंग क्या नमक और ये गरम मसाला अरे ये तो बहुत शॉर्टकट है पहले बना दो यार आ क्या चीज ये हल्दी है नहीं तो मसाला लो लेट मी हेल्प मैं करूंगा इच्छन पा दे थोड़ी जी की कैचअप डन डन मीठा हो जाना सो गाइस आरव से दही पल्ले बनके तैयार है वेरी गुड आरव वेल डन नहीं हजे की रह गया नहीं धनिया भी पै जाता पर धनिया है नहीं आई एम सॉरी अरे नो आई एम बियोनी से और कुछ खाना बस और तो इमली की चटनी लगा हो जगह पर सॉस पा ले हां पा ले थोड़ा भाई बहुत आ जाओ Spices. Wait. आरव ने लुको भी नहीं किया था मैं नहीं दूंगा पाओगे फिर दूंगा सो गाइस मैं तब तक लाइट ऑन आरव लाइट ऑन करूंगा ना मैं कोई सब्जी बनानी मैं ऐसा चिपक जा रही मैं कोई खाए ना है सब्जी मुच्ची गुड जॉब गाइस वेलकम बैक यार आरव ने थोड़ा सा मैसी जरूर बनाया पर आरव ने बनाया बहुत टेस्टी है सो अगर असी बना सकते हैं वधिया आइडिया है असी इस चीज़ नूं गार्निश कर सकते हैं अपने तरीके ना सो चलो आरव ने हुण रख लिया तद तक मैं फ्राई कर लूँगा आरव ने जो वो किते सी ना ब्रेड वाले साइड वाले जो कट्टे सीगे ब्रेड क्रम्स वो भी मैं ऐड कर ले आप वेस्ट किदा कोई चीज़ हो दे सकते हैं
कढ़ाई बनाने लई पहला मैं लई अपनी ओह व्हाट आवर फेवरेट कढ़ाई साडे घर च एक पुरानी कढ़ाई हुंदी है जिहड़ी साडी फेवरेट हुंदी है ओह उच मैं बहुत थोड़ा जिहा तेल पाया ओही जिच मैं पकौड़े तले सी उच्चों ही लैके थोड़ा जिहा पाया थोड़ा बिल्कुल थोड़ा इसलिए पाया क्योंकि मैंने दो वाली ऑयल यूज करना पैना तुसीं देखो मैं किद्दां बनाउंदी आ लोकी देखो सब कुछ इकट्ठा पा के इनू हल्का जो भुन लवेंगे फिर इनू अच्छी करना है ब्लेंड मतलब पेस्ट ही बन जानी है सब ब्लेंडिंग ही होगी लगावे नमक बिल्कुल थोड़ा जहा क्योंकि साढ़े उच भी है जरा एक्सट्रैक्ट करते हैं कि यह जो जरा फिर तो बाद इनू अभी कर लवेंगे एक पाउच ताकि ठंडा हो जाए वैसे मैश कर सके जब तक ये ठंडा होंगे आप लिटल बिट तेल और पावे असि पावे जीरा तेज पत्ता ऐड करेंगे तेज जो प्याज टमाटर भी नहीं बनाएंगे नाउ टाइम टू ऐड कर्ड मैं ऐड किया धनिया पाउडर देगी मेरा चौक कस्तूरी मेथी हम इन थोड़ा जहा करेंगे असं थोड़ा जहा भुना भी मसाले जो ये हो गया दैन फिर असं ऐड करेंगे घी वाला पानी दो कोक